तारे हमारे ब्रह्मांड में सबसे जरूरी खगोलीय पिंडों में से कुछ हैं। ये तारे ही हैं जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को रोशन किया हुआ है। ये चमत्कार खगोलीय पिंड अपने आप में दिलचस्प हैं। हम अक्सर ही तारों को हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल गर्म गोल भारी द्रव्यमान वाली किसी बॉल के रूप में सोचते हैं। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता है। खगोलविदों ने बहुत से ऐसे तारों का पता लगाया है जो इन तारों को लेकर हमारी धारणाओं को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। दो भागों की इस सीरीज में हम ब्रह्मांड में मिले 10 ऐसे अजीबोगरीब तारों के बारे में जानेंगे जिन्होंने अपनी खोज के साथ वैज्ञानिकों को हैरान परेशान कर दिया था। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि हमारे दूसरे चैनल पर मॉर्गन कीनन सिस्टम के स्टेलर क्लासिफिकेशन तारों की अलग अलग क्लास क्या है, वे क्लासेस एक दूसरे से अलग कैसे हैं, इस पर सीरीज चल रही है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर जाकर इस सीरीज को देख सकते हैं। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना इस बेल आइकन को दबाकर, ताकि इस सीरीज के आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। अक्सर ही जब हम एक तारे के बारे में सोचते हैं तो हमारी कल्पनाओं में एक विशाल गोल आग का गोला आता है, जाहिर सी बात है। लेकिन एक ऐसे तारे की कल्पना कीजिए जिसका आकार एक अंडे जैसा हो। जी हाँ, कल्पना करने की जरूरत नहीं है, ऐसा एक तारा हमारी आकाश गंगा में मौजूद है और यह हमारे सूर्य का काफी करीबी पड़ोसी तारा भी है। हमसे महज 25 प्रकाश वर्ष दूर लायरा नक्षत्र की ओर इस तारे से मिलिए, यह है वेगा तारा। यह तारा हमारे सूर्य से 2.1 गुना ज्यादा भारी, 2.5 गुना तक ज्यादा बड़ा और उम्र में लगभग 45 करोड़ साल पुराना तारा है। इसकी तुलना में हमारा सूर्य 450 करोड़ साल पुराना तारा है, यानी कि ये एक काफी युवा तारा है। यह लायरा नक्षत्र की ओर सबसे लोकप्रिय तारा भी है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जितना खगोल वैज्ञानिकों की नजर हमारे सूर्य पर रहती है, लगभग उतनी ही या कहें उससे ज्यादा वेगा तारे पर रहती है। वेगा तारे की इक्वेटर पर रोटेशनल स्पीड बहुत ज्यादा है, इसी वजह से वेगा का आकार अजीब है। ये तारा क्रिटिकल वेलोसिटी AKA क्रिटिकल रोटेशन, यानी वो मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड जिसको छूते ही एक तारा बिखर या टूट जाएगा, उस क्रिटिकल वेलोसिटी की 88 से 93% गति को छू लेता है। ये तारा थोड़ा और तेज घूमता तो बिखर जाता। इसकी गति इतनी ज्यादा है कि ये महज 12.5 घंटों में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। वहीं हमारा सूर्य इसे 27 दिन में पूरा करता है। इक्वेटर पर ये गति ही कारण है जिससे वेगा तारा अपने ध्रुवों की तुलना में इक्वेटर पर 23% अधिक चौड़ा हो गया है। इस असामान्य आकार ने इक्वेटर से इतनी ज्यादा ऊर्जा ट्रांसफर्ड कर दी है कि यह अपने ध्रुवों की तुलना में इक्वेटर पर 2200 डिग्री सेल्सियस जितना तक ठंडा है। एक दशक से भी पहले खगोलविदों ने हमारी पृथ्वी से 13,000 प्रकाश वर्ष दूर कैमेलोपॉडालिस नक्षत्र की ओर एक विशाल तारे की खोज की थी। उन्होंने इस तारे को MY कैमेलोपॉडालिस नाम दिया था। मूल रूप से शौकीन खगोल वैज्ञानिकों ने सोचा था कि वे एक ही विशाल सितारे को देख रहे हैं, लेकिन खगोलविदों को जल्दी ही एहसास हुआ कि वे एक नहीं बल्कि दो विशाल सितारों को एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए देख रहे थे। जी हाँ, ये एक बाइनरी तारामंडल था, या और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो ये एक कॉन्टेक्ट बाइनरी तारामंडल था। ये दोनों नीले दानवीय तारे एक दूसरे को छूते हुए एक दूसरे को इतने करीब से ऑर्बिट कर रहे हैं कि ये महज 1.2 दिनों में ही एक दूसरे के इर्द गिर्द एक ऑर्बिट को पूरी कर लेते हैं। और आपको बता दें कि ये दोनों कोई छोटे और हल्के तारे नहीं हैं। इन दोनों में सबसे बड़े तारे का द्रव्यमान जहां सूर्य से 38 गुना तक है, तो छोटे तारे का द्रव्यमान भी सूर्य से 32 गुना तक है। खगोलविदों को बाद में एहसास हुआ कि ये बाइनरी तारे किसी दिन एक दूसरे से जरूर टकराएंगे और सूर्य से 60 गुना ज्यादा भारी वाले एक विशाल मॉन्स्टर तारे को जन्म देंगे। तारों का वातावरण पहले से ही एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहा है। यह तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों तारों के कोर अंततः एक में मर्ज्ड नहीं हो जाते। वेल, खगोल शास्त्रियों को अभी तक ठीक पता नहीं है कि उस समय क्या होगा जब इनके कोर टकराएंगे। हालांकि उनका अनुमान है कि मर्जर से एक बड़ा विस्फोट होगा जिससे बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। जब हम स्पाइरल आर्म्स के बारे में सोचते हैं तो हम मिल्की वे जैसी आकाश गंगाओं की कल्पना करते हैं। हालांकि एक तारा SAO 206462 हमें गलत साबित करने के लिए ब्रह्मांड में मौजूद है।
क्योंकि इसकी दो स्पाइरल आर्म्स देखी गई हैं। अक्टूबर 2011 में खोजा गया SAO 206462 तारा पृथ्वी से लगभग 460 प्रकाश वर्ष दूर लूपस नक्षत्र में है। तारा धूल और गैस से बनी एक बहुत विशाल सर्कमस्टेलर डिस्क से घिरा हुआ है। यह विशाल सर्कमस्टेलर डिस्क प्लूटो की ऑर्बिट की चौड़ाई से लगभग दो गुनी है। वेल, खगोल वैज्ञानिक ये जानते हैं कि जब किसी तारे के डिस्क के अंदर नए ग्रह बन रहे होते हैं तो उसके चारों ओर स्पाइरल आर्म्स विकसित हो सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि दो स्पाइरल आर्म्स डिस्क के अंदर विकसित हो रहे दो नए ग्रहों द्वारा बनाई गई है। दरअसल यहाँ अभी एक सौर मंडल का निर्माण चल रहा है। हम जानते हैं कि सितारे बेहद गर्म होते हैं। उदाहरण के लिए हमारे सूर्य को ही ले लें। इसकी सतह, जिसे फोटोस्फीयर नाम से जाना जाता है, उसका औसत तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। अब एक ऐसे तारे के बारे में सोचें जो केवल 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान रखता हो। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस, जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है। बस इतना ही, ये किसी भी तारे के लिए बहुत ठंडा तापमान है, लेकिन इस नाम का यह तारा यही तापमान रखता है। ये तारा दरअसल एक बाइनरी सिस्टम का हिस्सा है, CFB DSIR 1458+10। नाम का यह बाइनरी सिस्टम पृथ्वी से 75 से 104 प्रकाश वर्ष दूर बूटस नक्षत्र की ओर मौजूद है। इस बाइनरी सिस्टम में मौजूद दोनों ही तारे ब्राउन ड्वार्फ तारे हैं, जो एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। बड़े वाले का द्रव्यमान जहां 11 जुपिटर द्रव्यमान तक है, तो वहीं छोटा वाला 6 से 15 जुपिटर द्रव्यमान तक रखता है। ब्राउन ड्वार्फ तारों का द्रव्यमान एक विशाल ग्रह और एक छोटे तारे के द्रव्यमान के बीच आता है। यह ग्रह कहे जाने के लिए बहुत भारी होते हैं, लेकिन एक सटीक तारा माने जाने के लिए बहुत हल्के होते हैं। तभी तो इन ब्राउन ड्वार्फ्स को फील्ड स्टार्स भी माना जाता है, क्योंकि इनके पास गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए पर्याप्त द्रव्यमान होता ही नहीं है, जो एक असल तारे की पहचान होती है, जिससे तारे प्रकाश और गर्मी पैदा कर पाते हैं। उस पर भी अगर वैज्ञानिकों की माने तो CFB DSIR 1458+10b एक ब्राउन ड्वार्फ कहे जाने के लिए भी बहुत ठंडा है। ज्यादातर ज्ञात ब्राउन ड्वार्फ्स तारों का तापमान अक्सर 177 से 327 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जो देखा जाए तो CFB DSIR 1458+10b के 100 डिग्री सेल्सियस से काफी गर्म है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान रखने के बावजूद भी यह सबसे ठंडा ज्ञात ब्राउन ड्वार्फ तारा नहीं है। यह रिकॉर्ड WISE 1828+2650 तारा होल्ड करता है। यह हमारी पृथ्वी से लगभग 33 प्रकाश वर्ष दूर लायरा नक्षत्र की ओर मौजूद है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका तापमान -23 डिग्री सेल्सियस से 127 डिग्री सेल्सियस के अंदर अंदर है, और इसका द्रव्यमान 0.5 से 20 जुपिटर द्रव्यमान के बीच है। खैर, वापस आए इस बाइनरी सिस्टम पर, तो खगोलविदों का मानना है कि इस तारे पर कंडीशंस एक नियमित ब्राउन ड्वार्फ तारे की तुलना में एक बड़े ग्रह की तरह ज्यादा हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ठंडे ब्राउन ड्वार्फ में ऐसे बादल भी हो सकते हैं जिनमें पानी हो। अच्छा, ऐसा अक्सर नहीं होता है कि हम किसी तारे के ग्रह बनने के बारे में सुनते हैं, पूरे के पूरे हीरो से ढके ग्रह के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन 25 अगस्त 2011 को वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से लगभग 4000 प्रकाश वर्ष दूर सर्पेंस क्यूडा नक्षत्र की ओर एक मिलीसेकंड पल्सार का चक्कर लगाते एक ऐसे ही ग्रह को देखा था। खगोलविदों ने तारे से बने इस ग्रह की खोज तब की जब उन्हें हमारी आकाशगंगा में कुछ पल्सार सिग्नल प्राप्त हुए। पल्सार सिग्नल तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन सितारों द्वारा रिलीज्ड रेडियो वेव्स और रेडिएशन होते हैं, जो और कुछ नहीं मृत विशाल सितारों के ढह गए कोर हैं। खगोलविदों को पता चला कि कुछ गड़बड़ है जब उन्होंने पाया कि पल्सार का घूमना किसी भारी गुरुत्वाकर्षण पिंड से प्रभावित हो रहा है। इस प्रकार की प्रभावित स्पिन सिर्फ तभी हो सकती है जब कोई एक्सोप्लैनेट पल्सार न्यूट्रॉन स्टार की परिक्रमा कर रहा हो। फिर बारीकी से स्टडी करने पर खगोलविदों ने करीबी रेंज पर तेजी से पल्सार की परिक्रमा कर रहे एक एक्सोप्लैनेट का पता लगाया। इस एक्सोप्लैनेट का द्रव्यमान भी बहुत ज्यादा दिखाई दिया था, जुपिटर से थोड़ा ज्यादा, भले ही यह पृथ्वी से केवल 5 गुना ही बड़ा था। पहले पहल ये ग्रह कोई सेंस बनाता नहीं दिख रहा था। एक जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण रखने वाले तारे के करीब परिक्रमा करने वाले इस एक्सोप्लैनेट में इतना ज्यादा द्रव्यमान नहीं होना चाहिए था। ये द्रव्यमान 330
30 पृथ्वियों जितना था, वो भी पृथ्वी से महज 5 गुना बड़े किसी पिंड में, ये समझ से परे था कि इतना ज्यादा द्रव्यमान इस टाइटली पैक्ड पिंड में कैसे समा गया। खगोलविदों ने जल्द ही पता लगा लिया कि एक्सोप्लैनेट किसी जमाने में एक सूर्य जैसा तारा रहा था जो बाइनरी सिस्टम का हिस्सा था। पल्सार भी एक दूसरा तारा था जो ज्यादा बड़ा और भारी था। अतीत में दोनों ने एक दूसरे की परिक्रमा की थी, जिसके बाद बड़ा तारा अपने जीवन को खत्म कर एक पल्सार में परिवर्तित हो गया। जब ऐसा हुआ तो किसी वजह से इसका छोटा साथी तारा इस सुपरनोवा धमाके को झेल गया। आगे चलकर सूर्य जैसे तारे ने भी अपने जीवन को खत्म किया और एक सफेद बौने तारे में बदल गया, जिसके बाद ये दोनों तारे इतने करीब आ गए कि बड़े तारे की कोर यानी पल्सार ने छोटे तारे की कोर यानी सफेद बौने तारे से बची कुची गैस और मैटर को खींच लिया, जिसके परिणाम में ये कोर एक ठंडे ग्रह में बदल गई, जिसे हम इस पल्सार की परिक्रमा करते हुए आज देख रहे हैं। हालांकि इस विनाश में भी सुंदरता है। खगोलविदों का मानना है कि फ्यूजन लेस ये ग्रह एक क्रिस्टलीय कार्बन बन चुका है, वही मैटर जिसे हीरे बनते हैं। यानी 4000 प्रकाश वर्ष दूर हम एक पल्सार की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी से 5 गुना बड़े हीरे को देख रहे हैं। बहरहाल, हमारा ब्रह्मांड वाकई कई ऐसे अजूबों से भरा पड़ा है, देर है तो बस दूरबीन उठाकर उनको देखे जाने की। ये ब्रह्मांड आपको हमेशा चौंकाने के लिए तैयार है। इस वीडियो के भाग दो में हम 5 और ऐसे तारों के बारे में जानेंगे जो ब्रह्मांड की गहराइयों में मौजूद हैं और समझ से परे रहे हैं। खैर, आज के इस भाग में इतना ही। इन 5 में से आपको किस ग्रह ने सबसे ज्यादा हैरान किया, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और इस वीडियो के भाग 2 के लिए इंतजार करें। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा इस वीडियो के भाग 2 के साथ। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर करने के साथ साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।